नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे अपनी सुधार की दिशा में आगे बढ़ चुका है। रेलवे की वंदे भारत ट्रेन लोगों को खूब पसंद आ रही है। इनके जरिए कम वक्त और आरामदायक तरीके से मंजिल पर पहुंच पाना संभव हो पा रहा है। अब रेलवे ने स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन बनाने पर काम शुरू किया है, जिसके माध्यम से आए वाले लोग भी इस ट्रेन सर्विस का फायदा उठा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज अपने गृह जिले नालंदा के दौरे पर हैं। सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के सुपानसंग पंचायत के उफरौल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों की भीड़ सीएम नीतीश कुमार को देखने एवं मिलने के लिए पहुंची थी। सीएम नीतीश कुमार यहां योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सख्त टिप्पणी की है। भारत ने इसे दुष्प्रचार कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसमें पूर्वाग्रह वस्तुनिष्ठता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। यह हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस बीच पाकिस्तान मूल के एक ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटेन की संसद में इस मामले को उठाया है, हालांकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे खारिज कर दिया। बिहार के गोपालगंज में सबिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज जल्द ही उड़ान भरेंगे। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज की सबिया एयरपोर्ट चालू होने वाला है। रक्षा मंत्रालय की टीम पिछले 4 जनवरी से जमीन का सर्वे कर रही है। वहीं एयरपोर्ट के किनारे अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने वाले को 30 दिनों के अंदर जगह खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एयरपोर्ट के रनवे और अतिक्रमण किए गए इलाके का निरीक्षण किया। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने बताया है कि अगले 5 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में शीतलहर का प्रकोप नहीं रहेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वेस्ट हिमालयन रीजन के मौसम में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। इसका असर 20 से 26 जनवरी तक देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 23 से 26 जनवरी तक बारिश होने की संभावना है। भाजपा के बिहार अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं और इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि वह इस साल फरवरी में बजट सत्र के बाद विपक्षी दलों की एकता के लिए देश भर में जाएंगे। उन्होंने पिछले साल राजद और राज्य में अन्य 5 राजनीतिक दलों की मदद से सरकार बनाने के बाद विपक्षी दलों के कई नेताओं से भी मुलाकात की थी। नौसेना ने गुरुवार को कहा कि INS वागीर यानी सैंड शार्क के शामिल होने से भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने में उसकी क्षमता बढ़ेगी। एक नौसेना अधिकारी ने कहा, INS वागीर एंटी सर्फेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी एकत्र करने, माइंस बिछाने और निगरानी मिशन सहित विभिन्न मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी से बर्खास्त नुपुर शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया है। इस पर RJD ने प्रतिक्रिया दी है। RJD ने जदयू नेता बलियावी के बयान की कड़ी आलोचना की है, साथ ही जदयू से कार्रवाई की मांग कर दी है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI और WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे भारतीय पहलवानों को अब मनाने का प्रयास किया जा रहा है। चैंपियन पहलवान और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने पहलवानों को इस मामले में निष्पक्ष जांच करने का भरोसा दिलाया है। बबीता फोगाट ने कहा है कि मेरी कोशिश है कि मैं आज भी समाधान करवा दूं। ये कोई छोटी चीज नहीं है, धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। मैं भरोसा दिलाती हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे ऑटो एक्सपो में इस बार मेक इन इंडिया की झलक देखने को मिल रही है। एक्सपो में पहुंचे वहां निर्माता कंपनियों प्रधानमंत्री के पहल पर आत्मनिर्भर भारत की राह पर दिखती चल रही है। कंपनियों ने कंपोनेंट तैयार कर वाहन बनाने लगी है, जबकि अब से पहले गाड़ियों में दूसरे देशों में कंपोनेंट मंगा कर लगाए जाते थे। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पेश की है। इस नीति के तहत देश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी है। अब सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोलंबो आने का मेरा प्राथमिक उद्देश्य इन कठिन क्षणों में श्रीलंका के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि भारत विशेष रूप से ऊर्जा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। देश के 71,000 युवाओं के लिए आज 20 जनवरी का दिन ढेरों खुशियां लेकर आया है। ये वो तारीख है जब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्नाओं में से एक पूरी हो रही है। आज साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कुल 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी है।
उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। पीएम मोदी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन हजारों युवाओं को जॉब लेटर दिए हैं। बम्बई उच्च न्यायालय ने ICICI बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की अंतरिम जमानत अर्जी शुक्रवार को मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति PK चौहान की खंडपीठ ने धूत को 1,00,000 रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी है। अदालत ने उन्हें नकद मुचलका भरने और इसके 2 हफ्तों बाद जमानत राशि जमा कराने की इजाजत दी है। चीन एक बार फिर सीमा पर हरकत करता नजर आ रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन भारत और नेपाल के साथ अपनी सीमाओं के पास गंगा की एक सहायक नदी पर तिब्बत में एक नया बांध बना रहा है। कुछ दिन पहले ही एक और सैटेलाइट इमेज सामने आई थी जिससे पता चला है कि चीन ने लैक के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में सैन्य बुनियादी ढांचे और गांवों के निर्माण में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अगर केंद्र सरकार कॉलिजियम की सिफारिश को मंजूरी देती है तो देश के संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई समलैंगिक जज बनेंगे। समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली हुई सुनवाई में भी सौरभ कृपाल कई याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने केंद्र सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए फिर से वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल की दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजी है। पुरानी पेंशन योजना को सरकारी खजाने के लिए घातक बताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस योजना को उसके कारण उत्पन्न हो रही भारी देनदारियों की वजह से ही बंद किया गया था। OPS से भले ही एक बार सरकारी खर्च में कमी आएगी लेकिन भविष्य के लिए देनदारियां बढ़ जाएंगी। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार का बजट नए संसद भवन में पेश कर सकती है। बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी महीने के आखिरी तक यह पूरी तरह से तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसलिए नए संसद भवन में होने वाले आगामी बजट सत्र की तैयारी भी शुरू हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि हम तो हमेशा से ही पाकिस्तान से रिश्ता सामान्य चाहते हैं लेकिन उसके लिए माहौल भी बनाने की जरूरत है। आतंकवाद का रास्ता छोड़े बिना बातचीत मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान अगर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर रोक लगाता है तो भारत उसका खुले दिल से स्वागत करेगा। भारत से संबंधों के सुधार पर पाकिस्तान से वहां के प्रधानमंत्री के उलट संदेश आया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री राज हिना रब्बानी खार ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें सहयोगी नजर नहीं आते हैं। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की इच्छा जताई थी। हालांकि बाद में उनके कार्यकाल ने उसमें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने की शर्त जोर दी थी। घरेलू अर्थव्यवस्था 2023 तक $3,700 अरब की होगी। इसके साथ ही यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन से आगे बना रहेगा। RBI ने बृहस्पतिवार को जारी एक लेख में कहा है कि वृहत आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता मजबूत बनी हुई है। अर्थव्यवस्था की स्थिति शीर्षक से जारी लेख में कहा गया है कि हालिया आंकड़े बताते हैं कि महंगाई को संतोषजनक दायरे में लाना मौद्रिक नीति का पहला लक्ष्य था, उसे हासिल कर लिया गया है, यह पहली उपलब्धि रही। दुनिया में चाहे आर्थिक संकट के दौरान भारत इस समय धुरी बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जब रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे तब भारत ने पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद उससे कच्चा तेल खरीदा, इससे रूस को संजीवनी मिली। वहीं अब अमेरिका में जहां मंदी के आसार हैं और महंगाई अपने चरम पर है तब वहां की एक बड़ी एनर्जी कंपनी भारत में अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है और उसके लिए उसे सरकार से खास मंजूरी मिलने का इंतजार है। कोरोनल मास इजेक्शन के बादल के टकराने के बाद आज पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से CMI के कणों द्वारा संचालित एक सौर तूफान टकराया। हालांकि अगर सैटेलाइट कुछ हरकत नहीं करती तो इस सौर तूफान की जानकारी नहीं मिल पाती। CMI द्वारा संचालित और सौर तूफान ने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर अटैक किया जिसमें एक अरोरा बना है। बता दें कि सूर्य 11 साल के चक्र से गुजर रहा है, इसके चलते वह बहुत ज़्यादा एक्टिव फेज में है। सूर्य में हो रही हलचलों की वजह से पृथ्वी को सोलर फ्लेयर कोरोनल मास इजेक्शन जैसी घटनाओं का हाल के दिनों में सामना करना पड़ रहा है। फरवरी की 1 तारीख को सरकार देशवासियों को हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसके संकेत दिए हैं। रेल मंत्री एक बार पहले भी कह चुके हैं कि इस साल दिसंबर तक देश में हाइड्रोजन ट्रेनें चलने लगेंगी। फिलहाल इन्हें हेरिटेज रूट पर शुरू किया जा सकता है ताकि इन्हें प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। भारत और बांग्लादेश को जापान के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी बनाने की संभावना तलाशने की जरूरत है। बांग्लादेशी पत्रकार और लेखक सैयद बदरुल एहसन ने गुरुवार को दिल्ली में कहा है कि 2 दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को बांग्लादेश को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए एक प्रवेश द्वार बनाने पर भी विचार करना चाहिए। प्रसिद्ध बांग्लादेशी बुद्धिजीवी विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा आयोजित एक गोलमेज चर्चा भारत बांग्लादेश संबंधों पर विचार में बोल रहे थे। भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा जिसमें सभी G20 सदस्यों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे G20 2023 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का मुख्य क्षेत्र होगा जो साल भर के नेतृत्व के दौरान
देश को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा। विभिन्न वाणिज्य दूतावासों द्वारा वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किए गए। भारतीय बजट इतिहास में अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण 2 घंटे 41 मिनट का रहा, जो किसी बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा तक पढ़ा गया था। इस वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में ये संसद में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बता दें कि आमतौर पर एक बॉलीवुड मूवी की औसत टाइमिंग करीब 2 या 2.5 घंटे होती है। सीतारमण ने इतना लंबा बजट भाषण पढ़ते हुए साल 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का जो काम किया है, उसे दुनिया भर में भारत को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अनिश्चितता, महंगाई बढ़ रही है और मंदी का अंदेशा है, तब सरकार के लिए इस सेक्टर को लेकर बजट प्लानिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने का जोर दिया है। मीडिया ने उनसे पूछा, पाकिस्तान से बात करने से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मसला खत्म हो जाएगा क्या? इस पर उन्होंने कहा, मैं आपको खून से लिख कर देने जा रहा हूं कि आतंकवाद अभी जिंदा है। यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें कोशिश करनी होगी, लेकिन वे अनिच्छुक हैं क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए नफरत फैलानी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम हैं संजय चौधरी, नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, MD शाकिर हुसैन, प्रिंस कुमार पीयूष, नीतीश कुमार और MD नौशाद रजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जातिगत जनगणना से बिहार को कितना लाभ होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।